सन 1950 में नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी ने एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा किया कि इंसानों के अलावा ब्रह्मांड में बसने वाले बुद्धिमान प्राणी आखिर कहाँ हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो एलियंस या परग्रही जीव हमसे आकर क्यों नहीं मिलते, वे सब आखिर कहाँ हैं? जब भी हम ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं को देखते हैं तो धरती जैसे अनगिनत ग्रहों की संख्या हमें मिलती है जिन पर लाखों परग्रही सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। वैज्ञानिक तौर पर ब्रह्मांड को अस्तित्व में आए हुए 13 अरब साल से ज्यादा हो चुके हैं। 13 अरब साल का समय उन्नत सभ्यताओं के आपस में संपर्क करने के लिए काफी है, तो अब तक हम इंसानों से ऐसी किसी सभ्यता ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? आखिर वे सीधे तौर पर आकर हमसे क्यों नहीं मिले? एनरिको फर्मी का ये सवाल इतिहास में फर्मी पैराडॉक्स के नाम से मशहूर हुआ, जिसने इंसानों को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ब्रह्मांड में मौजूद एलियन सभ्यताएं हमसे संपर्क क्यों नहीं करती, वे सब आखिर कहां हैं? आज के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम उन विषयों पर बात करेंगे जो इंसानों और एलियन कॉन्टेक्ट के बीच रोड़ा बनते आए हैं। ये सभी विषय अलग अलग मान्यताओं पर आधारित हैं और आपस में मतभेद भी रखते हैं, लेकिन ये सभी हमें हमारे इस सवाल का जवाब ढूंढने में जरूर मदद करेंगे। हमारी धरती स्पेशल है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस या दुर्लभ धरती की कल्पना हमें बताती है कि हमारी धरती पर जिन भौगोलिक और जैविक कारणों से जीवन पनपा, उन सभी का ठीक उसी क्रम में ब्रह्मांड में कहीं और होने की संभावना ना के बराबर या बहुत ही कम है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये सिद्धांत धरती पर जन्मे बुद्धिमान प्राणियों के जैसी दूसरी सभ्यताओं के ब्रह्मांड में मौजूद होने से सहमत नहीं है। इस सिद्धांत के हिसाब से वे सभी क्रमिक घटनाएं जो धरती पर हुई, जिनकी वजह से यहां जीवन पनपा, उन सभी के किसी दूसरे ग्रह पर होने की संभावना बहुत ही कम है। यानी हम एलियन सभ्यताओं से इसीलिए नहीं मिल पाए क्योंकि वे ब्रह्मांड में कहीं और है ही नहीं, या उनकी संख्या बेहद कम है। धरती पर एक लंबे समय तक भौगोलिक और जैविक घटनाओं का होना इसकी सूर्य और चांद से एक सटीक दूरी और दूसरी कई खूबियों ने धरती पर जीवन को जन्म दिया। इसलिए इस सिद्धांत के हिसाब से धरती पर जीवन होने की घटना एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यताएं एक समय जाकर नष्ट हो जाती हैं। ग्रेट फिल्टर सिद्धांत के हिसाब से ब्रह्मांड में एलियन लाइफ मौजूद है, पर तकनीकी तौर पर उन्नत होने के बावजूद भी कोई भी सभ्यता इतनी विकसित नहीं है कि वो हजारों और लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क साध पाए या फिर इतनी दूरी तय करके उनसे मिलने आ सके। हमारे अंतरिक्षयान, सैटेलाइट और दूसरी चीजों को देखकर भले ही हमें लगे कि हम एलियन कॉन्टेक्ट के काफी करीब हैं, पर भविष्य में हमें किसी ऐसी आपदा का सामना करना होगा जो या तो हमें पूरी तरह खत्म कर देगी या फिर हमें तकनीकी तौर पर हजारों साल पीछे धकेल देगी और हम कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हम किसी एलियन सभ्यता से